जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार ब्लॉग में। तो जी हाँ, आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आप मेरे पीछे जो देख रहे एकदम सजा हुआ एकदम पटना जंक्शन। यहाँ पे आने के बाद जो खुशी मिलता है ना चेहरे पे, उसका एक अलग ही मजा आता है भाई। क्या है कि मेरा जो फेवरेट स्टेशन है पटना है और मेरा घर भी पटना ही है। तो हर बार ये सौभाग्य हमको मिलता है कि पटना जंक्शन से एक नए जर्नी की शुरुआत करें आप लोगों के लिए भाई। तो एक बार जानते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो को देख कहाँ कहाँ से रहे हैं। एक बार सब लोग जिलवा के नाम बता दो लोग कमेंट में, तो समझ में हमरो आई। तो अगला भी कोशिश कर जाए कि तुह लोग के जिला के स्टेशन से कोई ट्रेन कवर कर जाए। चलिए आते हैं पॉइंट पे आते हैं। तो आज की जो जर्नी हमारी होने जा रही ट्रेन नंबर 12369 यानी कि कुंभ एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चलकर हरिद्वार तक जाती है। जी हाँ, तो आज इसी ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं भाई। पटना जंक्शन पे बोर्ड करेंगे इस ट्रेन को, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे 4 नंबर पे चलते हैं भाई, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा मेरा। तो चलो 4 नंबर पे चलते हैं, वहीं पे चल के सारा बात करते हैं। ये आ चुके हैं पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। देखिए कितना ही साफ है पटना का 1 नंबर प्लेटफॉर्म। और आपको बता दें यहाँ पे एसी डोरमेट्री से लेके एसी रिटायरिंग रूम तक सब कुछ अवेलेबल है। पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको रिटायरिंग रूम भी देखने को मिल जाएगी, फूड ट्रैक भी देखने को मिल जाएगी। मतलब सारी सुविधा जो इंडियन रेलवे की तरफ से दी जाती है, वो सारी सुविधाएं आपको पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी भाई। देख लो कितना ही लाजवाब और कितना सुंदर भी लगता है रात के टाइम में हमारा पटना जंक्शन। तो टाइम देख लीजिए, अभी बज रहे हैं रात के 10:05 और अभी तक हमारी ट्रेन भाई नहीं आई है पटना जंक्शन पे। वेट करते करते स्थिति खराब हो गया भाई, 1.5 घंटे से ज़्यादा ट्रेन हमारी लेट चल रही है भाई। अभी सुनने में आ रहा है अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब आने वाली है, देखते हैं बताएंगे अपडेट करेंगे, बने रहिए वीडियो में भाई। 4 नंबर पे खड़े हैं और यहाँ पे देखिए आरा दुर्ग एक्सप्रेस लगी हुई है। अभी इस ट्रेन के अंदर जो है ना वाटर फिलिंग का काम किया जा रहा है, देखिए वहाँ। और एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें इस ट्रेन के बारे में, ट्रेन जो है ना पहले चलती थी राजेंद्र नगर से, इसका एक्सटेंशन किया गया है आरा तक के लिए। तो आरा में तो कोई उस तरह का शेड है नहीं वाटर फिलिंग का मेंटेनेंस का, इस वजह से सारा काम इसका अभी भी पटना में हो रहा है। तो आखिरकार फाइनली गाड़ी आ चुकी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, हावड़ा लोको शेड के बैप 7 लोकोमोटिव इंजन के साथ उपासना एक्सप्रेस यानी कि कुंभ एक्सप्रेस। आपको बता दें उपासना और कुंभ एक्सप्रेस दोनों एक के साथ रेक शेयरिंग करती है भाई, दोनों ट्रेन हमारी। देखिए सारा पैसेंजर लोग अब ऑन बोर्ड होंगे भाई, जिन को इंतजार। अब देखिए कोच कंपोजिशन सही नहीं होने के कारण जितना भी लोग जनरल का सवारी है अब लोग दौड़ दौड़ के भाग रहा है उस तरफ, क्योंकि जनरल का जो डब्बा पीछे रहने वाला था जो शो किया जा रहा था यहाँ पे, अब वो भाई आगे की तरफ है भाई। अभी लोग सब लोग दौड़ दौड़ के भाग रहा है, जनरल की तरफ भाग रहा है। देखो भाई वैसे अगर हमारी कोच की बात की जाए तो आज का हमारा जो जर्नी होने जा रहा भाई एसी इकोनॉमी में होने जा रहा है कि M1 में। तो भाई ये है हमारा M1, चलेंगे भाई बर्थ पे चलेंगे, सीट पे चलेंगे भाई। थोड़ा भीड़ हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा पब्लिक को घुस जाने देते फिर चलते हैं, जर्नी दिखाते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा अनाउंसमेंट भी हो रहा है तो हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा कम आए, बाकी चलिए चलते हैं ऑन बोर्ड होते हैं फिर सारी जानकारी आपको आपके साथ शेयर कर। अपना M1 में बर्थ है भाई, आज सीट पे चल रहा है भाई। हटियो भाई भाई हटना भाई, पैक एंड पैक ट्रेन चल रही भाई यहीं से फिलहाल। आपको बताइए हावड़ा ट्रेन आ रही है और आज का जो अपना बर्थ है ना भाई ये अपर बर्थ है भाई। हरिद्वार जब बिना टिकट के आए आ टीटी धर ली तब चलो ठीक बजा भाई। बाबा चढ़ रहे हैं बिना टिकट के ट्रेन के अंदर, सोचिए क्या ही हाल बनेगा। चलिए पूरा जर्नी दिखाएंगे आपको, ट्रेन बता दें आपको पूरी लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ आई है पटना के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और अंदर देखिए पूरा पैक एंड पैक चल रहा है भाई, बहुत ही और सानू भाई आए थे यहाँ पे स्टेशन पर ड्रॉप, ऐसा लग रहा है भाई आज ये भी साथ में चलने वाले थे, अगली बार चलेंगे काम का इनका ऑफिस में, इसमें सानू भाई नहीं जा रहे आज हमारे साथ, अगली बार चलेंगे ना भाई। चलिए भाई बाकी देखते हैं, डिपार्चर आपको दिखाएंगे एक बार। ये जो लिबरी है ना इंडियन रेलवे की ग्रीन वाली दुरंतो वाली, ये मेरे को 1 नंबर लगती है। आपको कौन सी लिबरी अच्छी लगती है? सामने देखो लगी हुई हम सफर वाली, चलो वो भी करीब से दिखा देते हैं। बाकी आपको तो अपना LHB वाला पता ही है रेड वाला, तो आप बताओ एक बार कमेंट में आपको कौन सा लिबरी अच्छा लगता है, सामने LHB वाला, ये हम सफर वाला या फिर ये दुरंतो वाला। चल चुकी है हमारी ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अगर स्टेशन का बात किया जाए तो स्टेशन कोड हो गया PNBE। इस सेंट्रल रेलवे जोन में आता हमारा ये पटना जंक्शन और डिवीज़न दानापुर। यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है भाई 27। यहाँ से दिन भर में टोटल 74 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 274 ट्रेनें आती है और जाती है भाई। तो एक लाइक तो बनता है हमारे पटना जंक्शन पे। चलिए भाई फाइनली डिपार्ट हुआ पटना जंक्शन से।
ट्रेन में खाली सफर करेंगे, घूमते रहेंगे तो भूख भी लगेगा ना भाई। तो भूख लग गया था तो ये ऑर्डर कर लिए हैं, स्टैंडर्ड थाली पैंट्री से आ गया है। देखिए दही वही सब ला के दिया लोग अच्छे तरीके से। बाकी इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर, वो भी दिखाते हैं, टेस्ट बता देंगे कैसा है टेस्ट और क्वालिटी एक बार बता देंगे भाई। तो देखिए यही है आज खाना में आ गया है, आ रहा है मुँह में पानी, इसीलिए बोलते हैं कि इस वीडियो को खाते खाते मेरा वीडियो देखिए, क्या कि रेल ब्लॉगिंग आप देखिएगा तो खाना तो दिखाएबे ना करेंगे। और देखिए बता देते हैं क्या, ये दाल हो गया भाई एकदम गर्म है, ये चावल हो गया भाई, और ये हो गया अपना मिक्स वेज सब्जी, और ये एक्स्ट्रा चावल दिया गया है आपको बता दें, रोटी के बदले एक्स्ट्रा चावल दिया गया, और ये देखिए ठाकरे देरी का दही दिया गया भाई। तो खा के बता देते हैं कैसा है टेस्ट, रोटी तो है नहीं, सबसे पहले सब्जी ही टेस्ट कर लेते हैं हम। टेस्ट तो बढ़िया है लेकिन ये चावल जो है, चावल को देख लेते हैं एक बार, सब्जी के साथ ही ट्राई करते हैं भाई, थोड़ा सा दाल भी ले लेते हैं। ठीक ठाक है भाई, ठीक ठाक है, क्या रेट टू रेट मिल रहा है यहाँ पे। तो बक्सर स्टेशन को डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन, थोड़ा सो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया भाई स्टेशन कवर करना। बाकी जानकारी दे दे बक्सर स्टेशन का, तो स्टेशन कोड हो गया अभी एक सारे, यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म है और ट्रैक्स है, यहाँ पे पांच ट्रैक्स है भाई। और खाने का तो कहानी आपको बताइए नहीं है, क्या चल रहा है ट्रेन के अंदर, खाना सभी लोग रखे हुए हैं लेकिन दे नहीं रहा है भाई, जब तक आप मांगिएगा नहीं ना स्टैंडर्ड थाली तब तक स्टैंडर्ड थाली दे नहीं रहा है लोग। बाकी हम तो स्टैंडर्ड थाली दिए थे अपना, मांगने पे दिया ये लोग, और बता दे आपको 120 वाला जो है 150 रुपया में दे रहा है भाई। देखो यही हिसाब किताब चल रहा है ट्रेन के अंदर, हम बोले भी है इनको कि भाई ये कंप्लेन कर दोगे बिना मतलब तुम्हारे पे बात आ जाएगा, तब जाके वो हमको अपने सही रेट में दिया है। अगर आप लोग भी जा रहे हैं ना ट्रेन में तो आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं, 139 पे फोन कीजिएगा तो कंप्लेन हो जाएगा, फिर लोग भी सही तरीके से आपको भी खाना देगा। बाकी हम लोग का तो पता ही है आपको, हम लोग अक्सर ट्रेन में जाने निकलते रहते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से हम अपना हिसाब किताब बैठा लेते हैं भाई। थोड़ा सो गए थे भाई, खाना खाए थे, थके हुए थे, नींद आ गया था, इसलिए स्टेशन का अराइवल नहीं दिखा पाए आपको। बाकी यही था भाई, ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है हमारी बक्सर से, टोटल 104 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग तय कर चुके हैं अब तक पटना से चलने के बाद भाई। अब ज्यादा रात हो चुका है, रात में बाहर दिखाएंगे नहीं आपको, चलेंगे भाई सोते हैं, सुबह में उठते हैं जहाँ पे भी हमारी नींद खुलेगी। और उस नींद क्या खुलेगी भाई आपको बता दिए, जो जर्नी है ना हमारा बहुत छोटा जर्नी होने वाला है, थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही गए होंगे आप। जी हाँ, बनारस तक क्या जर्नी करने वाले हैं भाई इस ट्रेन में। चलिए भाई सोते हैं और सीधे आपसे मुलाकात करेंगे बनारस में, यानी कि वाराणसी जंक्शन में। ट्रेन में जाइएगा तो सब कुछ दिखाना जरूरी है ना, खाना दिखा दिए, खाना खा लिए, तो खाना के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लग जाए जाना हो तो वो भी दिखा देते भाई, इकोनॉमिक क्लास का कैसा है बाथरूम। ये देखिए पानी जो गिर रहा है ना यहाँ पे, कोई इसको दबा के चल गया, यहीं से इसका नल ऑपरेटिंग है, देखिए दाबेंगे, देख रहे हैं जैसे जैसे हम दाब रहे हैं वैसे वैसे इसका, देखिए यहाँ हम प्रेस कर रहे हैं और यहाँ देखिए। बाकी साफ सफाई की बात किया जाए तो देखिए नीचे तो अभी फर्श पूरा गंदा है, बाकी सामने वाला मिरर जो है वो साफ सुथरा है। देखिए पानी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोगों को नहीं पता है यहाँ पे टैप चलाने के लिए नहीं होता है, ये नीचे से होता है, फुट ऑपरेटेड होता है। इसको देखिए दाबेंगे, प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हो गया, इसको छोड़ेंगे यहाँ पे बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो ये अटक गया होगा वहाँ पे, हो सकता है अटक गया हो। बाकी अंदर का तो व्यूज ठीक ठाक है, बाकी नीचे का फर्श थोड़ा गंदा है भाई। यहाँ पे देख लीजिए सामान वामान रखने के लिए आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और दिखाएं, देखिए यहाँ पे ना स्मोक डिटेक्टर भी है थर्ड इकोनॉमी में। बाकी बाहर का व्यू देख लेते हैं भाई, बाहर देखिए, बाहर तो साफ सुथरा है नहीं, साफ सुथरा पर तो ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाकी गैलरी में आइएगा ना तो सुरक्षा का अच्छा इंतजाम किया गया है यहाँ पे, देखिए एक कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक कैमरा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बाकी फायर एक्सटेंशन भी है यहाँ पे लगा हुआ भाई, और पानी का नल वाला सिस्टम यहाँ पे भी वही है, नीचे से ऐसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से पानी आएगा। और बाकी यहाँ पे हैमर रहता है इमरजेंसी के लिए, जो कि गैब है, हैमर नहीं है। और देखिए थर्ड इकोनॉमी का इंटीरियर कुछ ऐसा होता है, ये स्लाइड कीजिएगा ना, स्लाइड यहाँ से तब जाके ये खुलता है, देखिए ऐसा अपना थर्ड इकोनॉमी कोच, जो कि बहुत थोड़ा कंजेस्टेड होता है। बाकी नॉर्मल जो कोच होता है ना थर्ड एसी का, उससे थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत जोर से बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं अंदर पब्लिक सारा सोया हुआ है, सारा पब्लिक लोग अंदर सोया हुआ है, तो अंदर बात करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए यहीं पर बात कर रहे हैं। ट्रेन चली बहुत तेजी के साथ, इसलिए थोड़ा हम ऊँचे आवाज में बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं, अब हम भी अपने बेड पे सोते हैं आराम से, वाराणसी तक अपना जर्नी है पूरा आपको दिखाएंगे जर्नी पूरा। ट्रेन पहुंच गई भी हम मुगलसराय जंक्शन, दिन तो ही लखना भाई,
तो सोच रही चलो मुगलसराय में तुलू से बातचीत ही कर लेवल जाओ। ऐसे भी पता लानू M1 यानी कि इकोनॉमी क्लास के जोन कोच वाला बहुत ही दिक्कत होला हमें ऊपर वाला एक तो ऊपर वाला बर्थ बा हमारा अपर बर्थ मिलल ऊपर है सर ना ढंग से आदमी ऊपर बैठ सकेला भाई ना पे कुछ कर सके भाई नींद भी नहीं आवत सही से एक तो छोटा सीट भी रहेला हमनी के लंबा आदमी भाई कहाँ ऊपर सुतम जा। तो सोच रही चलो मुगलसराय में तुहे लोग से रहवा सब से कुछ बात कर ले जाओ। हाँ चलो बात कर लिया अगर मुगलसराय स्टेशन के तो स्टेशन कोड हो गया यहाँ का DDU पहले इसका जो नाम था इसका नाम था पहले मुगलसराय अभी इसका नाम कर दिया है सरकार ने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिस कारण इसका स्टेशन कोड हो गया DDU। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है भाई टोटल 16। और एक चीज यहाँ का जो मार्शलिंग यार्ड है ना पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है जो 12.5 किलोमीटर पे फैलल हुआ भाई। ये कुछ जानकारी है मुगलसराय स्टेशन के। बाकी यहाँ पे दिन मुन में अगर कोई कभी आई तो यहाँ पे भूजा जो मिले बेदाम और चना वाला एकदम लाजवाब रहा तब जाइए तो ट्राई जरूर करिए। तो ट्राई करनी हो सोचिए कि मिल जाए लेकिन रात के टाइम बढ़ो तो शायद ही कुछ मिल पाओ चांस कम बा भाई। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में वाटर फिलिंग का काम किया जा रहा है और ओवरफ्लो होने के कारण पानी इस तरफ से बाहर फेंक रहा है पानी भरने का काम उस तरफ से चल रहा है और इसी बीच हमारी ट्रेन भी यहाँ से चल पड़ी भाई। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर बाकी आपको डिपार्चर दिखा देते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। बाकी टीम के मेंबर आए हुए थे हमारे फैमिली मेंबर नहीं टीम के मेंबर साथ में हमारे काम करते हैं आप तो जानते ही होंगे बिल्कुल भाई थे दिल्ली जा रहे थे किसी कारण से यहाँ पे उतरे थे भाई तो आ गए थे स्टेशन पे हमारे मतलब प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन के पास। बाकी हमारा डिपार्ट हो चुका है यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भाई। रात के 2:30 बज रहे हैं आपको पता ही कि जर्नी छोटा सा जर्नी होने वाला था वाराणसी तक जर्नी होने वाला था बस वाराणसी पहुँचने ही वाले हैं अभी जस्ट वो क्रॉस करने वाले हैं काशी ब्रिज को भी क्रॉस करने वाले दिखाते हैं एक बार रात का नजारा कैसा है जितना भी कोशिश करेंगे दिखाएंगे क्योंकि रात के टाइम आपको पता ही क्लियरली तो नजर आएगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं चलिए दिखाते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो वो आपको दिखाते हैं एक चीजें। बाकी हर्ष भाई है अपने साथ। हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। बस हर्ष भाई है हर्ष भाई के साथ जर्नी चल रही है और नींद तो आज आराम है भाई क्योंकि भाई इतना प्यारा कंटेंट शूट कर रहा है शॉर्ट ट्रिप हम लोग का ये वाराणसी तक ट्रैवल है तो भाई मेरे तो करना बनता है और वैसे काफी टाइम हो गया था रात के वक्त में काशी ब्रिज आने वाला उसका नजारा दिखा रहे हैं काशी ब्रिज आने ही वाला है चलिए आपको ब्रिज दिखाते हैं। ब्रिज क्रॉस किया ना देख लो ब्रिज क्रॉस करते के साथ ही ये आ गया हमारा काशी रेलवे स्टेशन जिसको अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है भाई। तो यहाँ तक जिन जिन भाइयों ने मेरी वीडियो को देखा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा भाई कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। देखिए काशी और काशी में तो हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था लेकिन सिग्नल नहीं होने के कारण हमारी ट्रेन को यहाँ पे रुका गया। और बाकी चीज आप देखा यहाँ पे देख लो प्लेटफॉर्म और ये कितना गैप हो रहा है भाई अगर सोचो अगर सीनियर सिटीजन को अगर चढ़ना हो तो कितना कष्ट हो सकता है भाई इसमें कितना प्रॉब्लम हो सकता है भाई सिर्फ इस एरिया पे है भाई। भाई सिग्नल नहीं होने के कारण ट्रेन को रुका गया था बाकी सिग्नल हो गई भाई और ट्रेन चल पड़ी भाई। भाई लगभग 250 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया BSB जोन हो गया नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन हो गया वाराणसी खुद एक डिवीजन है। यहाँ पे टोटल 13 प्लेटफॉर्म है 11 फंक्शनल है और 1 और 1A अंडर कंस्ट्रक्शन है
और वाराणसी क्यों फेमस है आपको तो पता ही है, वाराणसी घाटों का शहर जाना जाता है, तो हम भी आए भाई यहाँ के घाट को एक्सप्लोर करने, दर्शन करने, वो चीजें भी आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगले जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।